हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम। यहाँ पर दानिश लीग का मैच हो रहा है साइल्क बॉग वर्सेस ब्रॉनबाय के बीच 7:30 बजे, जो कि खेला जाएगा लगभग 1 घंटे बाद। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, भाई साहब मैच बहुत अमेजिंग है। और ये जो मैच होने वाला है, इस मैच के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि दोनों टीम का ग्रुप स्टेज का मैच है, अपने एक एक ग्रुप में इन्होंने टॉप करना है। दोनों टीम अच्छा खेलती हैं वैसे अगर मेन देखूं, जिसमें साइल्क बॉग टीम जब जीतती है तो भाई तगड़ा जीतती है, लेकिन जब हारती है तो बहुत तगड़ा हारती है। इनका ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये लोग मेंटेन करना भूल जाते हैं टीम को। जबकि ब्रॉनबाय में ऐसा नहीं है, ब्रॉनबाय टीम बहुत स्टेबल है। मेरे को BIF टीम के 3 प्लेयर तो बहुत फाड़ू लगते हैं, और वो 3 प्लेयर आज पक्का धूम मचाने वाले। और कौन से प्लेयर रहेंगे वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, स्ट्राइकिंग की ओर चलते हैं। तो जिन खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ भाई, BIF के 3 प्लेयरों की, पहला उनमें से प्लेयर है वाई सुजुकी। कंसिस्टेंसी में खेलता दिखा है भाई, मतलब अभी 2 महीने से लगातार देख रहा हूँ कि वाई सुजुकी का गेम प्ले में नाम आ रहा है, और नाम ही नहीं आ रहा, गोल भी कर रहा है बहुत। मतलब अगर देखा जाए गोल रेशियो थोड़ा कम है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब कंसिस्टेंसी में दिख जाएगा खिलाड़ी आपको, इतना मैं कह सकता हूँ जिस हिसाब से खेल रहे हैं। उसके बाद इनका एक मेन प्लेयर हुआ करता था मैथियस। अब आप मानोगे नहीं, मैथियस को कितने दिनों से मैंने गेम प्ले में देखा ही नहीं। सो मैथियस के अनअवेलेबल होने के कारण जगह मिल गई ओही ओमो, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम ओमो है। सो ओही ओमो को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लूँगा। 2 प्लेयर आपके हो गए, तीसरा प्लेयर इनका सबका फाड़ू भाई साहब एन वेलिस, मैक्सिमम गोल जो बंदा, ये तो आपको जुलाई के दिख रहे हैं, तो पिछले साल के रिकॉर्ड है। अगर मैं इस साल की बात करूँ ना, तो आप दंग रह जाओगे। इस बंदे ने हर मैच में, हर एक मैच छोड़ के इसका गोल आता ही आता, और कई मैच में 2-2 आते, तो इसका गोल रेशियो सुन के आप हैरान होने वाले हो, पता है 70-80%। भाई साहब किसी स्ट्राइकर का गोल रेशियो 40-50% भी होता है ना, तो वो राजा है, लेकिन इसका 70-80, मतलब 10 मैच खेलता है तो 7-8 गोल, इतना ज़बरदस्त प्लेयर है। इसलिए इन तीनों के ऊपर तो आपने ट्रस्ट करना ही करना है, भले आप किसी और पे करो या ना करो। और दो और आगे ऑपोजिशन टीम की बात करें, टी ए डैमसन SIL का मोस्ट गोल करने वाला प्लेयर, और मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर ब्रिंक को आप लेना है, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। इनका एक प्लेयर है ST थॉर्डेसन, ये मैक्सिमम गोल करता है, एक ये और उसके बाद एक ये टी एडम्सन, ये दोनों SIL के मेन प्लेयर हैं। ब्रिंक मेरे को इतना नहीं जचता, मेरे को इतना खास नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास इसकी रिप्लेसमेंट है पी मैटसन। तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ आज भी कि मैं पी मैटसन को लूँ कि मैं ब्रिंक को लूँ, तो ये कन्फ्यूज़न ज़रा मिटने का मेरे को थोड़ा देर चाहिए, ठीक है। लाइनअप्स आने वाली है। एंडी वॉस की बात करें, वॉस पहले उसमें खेलता था, क्या बोलते हैं अपना, स्पेनिश लीग में, तो स्पेनिश लीग के अंदर ये एक डिफेंडर था, तो अब इन्होंने यहाँ पर मिडफील्डर बना दिया, तभी वो बेचारा चल नहीं रहा। इसका गोल देखे देखे अरसा बीत जाता है भाई, ये कहने कोई मिडफील्डर, अब क्या करें, मजबूरी वाले लेंगे इसको, हम तो सोच रहे हैं अभी, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, क्योंकि डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर पहले आपने एल्विस, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्लेयर है वो है रेसमेंसन, और एक प्लेयर इनका हैगियम। थर्ड डिफेंडिंग करेगा तो मत लेना, क्योंकि अगर इस मैच में लॉरिटसन खेलता है तो आप किसी और की तरफ मत जाओ, क्योंकि लॉरिटसन इन सबसे बेस्ट है। और गोलकीपिंग के अंदर एन लॉर्सन को लेना है। अब एक प्लेयर आपका बचता है 11 प्लेयर होने में, तो एक प्लेयर अगर आप चाहें तो है यहाँ पर हैगियम को ले लीजिए, जिसको मैं मना कर रहा था, या आप वॉस को ले लीजिए। मुझे पता है हर बंदा वॉस को लेगा, सो आई एम गोइंग विथ सेफ प्लेयर। एंड बात करें कप्तान की, कप्तान आपने चुपचाप से वेलिस को रखना है, इसका गोल रेशियो बहुत हाई लेवल का है, इसको मत छोड़ो। उसके बाद वाइस कैप्टन के 2 ऑप्शन है, पहला है ST थॉर्डेसन और दूसरा है वाई सुजुकी। आई एम गोइंग विद ST थॉर्डेसन, क्योंकि मेरी डबल साइडेड टीम है। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।